मेरा बस एक ही सपना था, सुशांत और मैं शादी करके हमेशा के लिए एक दूजे के हो जाए, हमारी एक अलग दुनिया हो, इस लालच और ढोंग से परे, जहां हम खुशी खुशी रह सके। लेकिन लगता नहीं कि मेरा ये सपना कभी पूरा होगा, और इसे तोड़ने वाली कोई गैर नहीं, मेरी अपनी माँ है, जो एक तरफ तो खुद को सारे जगत की मां कहती है, उनके भले की बातें करती है, और दूसरी तरफ अपनी बेटी की शादी में आग लगाने पर तुली हुई है। लोग कहते हैं कि औरत देवी का रूप होती है, लेकिन ये सारी बातें ना सिर्फ बोलने और पढ़ने में अच्छी लगती है, असलियत में लोग उसी देवी पर अत्याचार करते हैं, उसके अरमानों का गला घोटते हैं। उसको देवी तो छोड़ो, इंसान तक नहीं समझते, मेरी मां भी नहीं समझती, क्योंकि उसके लिए तो मैं उसकी महत्वाकांक्षाओं का घोड़ा हूं। मुझे बस मेरा सुशांत ला दो। कहां गया सुशांत?